आ जाओ बेटा, ये भी हमारी बेटी आयशा का जो है ना, जी 2021-2022 में हम स्टेपिंग कर रहे हैं इसी जज्बे के साथ कि हमने रिवाइव करना है खुद को उन तमाम स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जो हमने पिछले साल फेस की. एक मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि लास्ट वो वक्त कब था जब कोई काम नहीं है, कुछ मसरूफियत, कोई भाग दौड़, कोई फाइलें, कोई कहीं जाके हाजिरी नहीं लगानी और आराम से बैठ के आग लगा के बैठे हैं. गपशप हो रही है, वो गेम्स हो रही हैं और हर एक से बातें हो रही हैं, तो अच्छा लगा. और जितना ये स्ट्रेसफुल पूरा टाइम गुजरा है पिछले साल का और उससे पिछले साल का भी, कोविड भी और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे हालात थे जो थे, तो दिल से दुआ है कि ये सब, ये नुसरत जो एक आई है हमारे मुल्क के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, ये कोई मौजज़ा हो जाए और ये टल जाए और हम एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ, हंसती मुस्कुराती जिंदगी की तरफ हम वापस आए. मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ. टिक्कों की ऐसी खुशबुएं आ रही है ना गर्मा गर्म कि वो मैं आपके और उनके दरमियान हाइल नहीं होना चाहती, लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ ऐसे लगता है जैसे अपने घर में आई. कभी भी ऐसा नहीं लगा, वाकई ऐसा आपने कभी ये फील नहीं होने दी कि तुम्हें हार है. ऐसा ही हमेशा लगा कि डॉक्टर साहब का ये घर है और अपने भाई के घर में आई हूँ, अपने घर में आई हूँ. आप सबके साथ आप जो एक अपनाइयत देते हैं उस सब के लिए बहुत शुक्रिया. डॉक्टर साहब जैसे एक टीम बना के आप सबको साथ लेके और आज की ये जो आपने इकट्ठा किया सबको, ये भी इसी चीज का सबूत है कि ये चले. होल्ड करें थोड़ी देर इसको, थोड़ी देर के बाद और बस एहसान होता कि मरीज कुछ लाए वे लाइक दिस. और इंशाल्लाह 2022 हमारा इन्हीं खुशियों के साथ और ऐसे ही शुरू हो. आप सबके लिए बहुत प्यार, बहुत दुआएं और इंशाल्लाह अगला साल बहुत बेहतर होगा.